हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल टू सक्सेस हम कर रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन बैंक जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ये सेट सेट है हर एक में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और टोटल हम 500 क्वेश्चंस करेंगे मतलब टोटल हमारी 20 क्लासेस होंगे ठीक है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखो जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है तो ऑप्शन आपको गिवन है तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से कौन से वर्ड से लैटिन वर्ड से अगर आप सब आपसे पूछा जाए करेक्ट ऑर्डर क्या है फॉर फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर का करेक्ट ऑर्डर क्या है जो आपके ऑप्शन होंगे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे जैसे प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज ये सब उल्टा उल्टा करके दिया होगा तो आपका आंसर क्या है सबसे पहले देखो क्या होता है इनपुट फिर वो इनपुट का प्रोसेसिंग होगा उसके बाद क्या आएगी आउटपुट और लास्ट में क्या होगा स्टोरेज तो ये चार स्टेप्स है पहला है इनपुट सेकेंड है प्रोसेस थर्ड है आउटपुट और फोर्थ है स्टोरेज इसको अच्छे से लर्न कर लो इसमें मिस्टेक नहीं करके आनी नेक्स्ट है कलेक्टिंग ऑफ द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन ये किस प्रोसेस से जाना जाएगा इसको क्या बोलेंगे कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन डाटा रॉ डाटा है ना उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग उसको क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग कंपाइलिंग तो मतलब होता है इकट्ठे करना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही है तो कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लॉक में पूछा गया था 2013 में देखो ये क्या है पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ ये किसकी है कंट्रोल की आउटपुट की प्रोसेसिंग की फीडबैक की इनपुट की सो पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ पार्ट्स ये सब जो काउंट होगा ये सब प्रोसेसिंग के टाइम में होगा हो ना तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ ऑलरेडी सब किसके हैं दीज आर द एग्जाम्पल्पल्स ऑफ प्रोसेसिंग कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज कॉल्ड अनप्रोसे आई पीओ में पूछा गया था 2015 में तो अनप्रोसेस्ड आइटम्स का कलेक्शन क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड डाटा क्योंकि अनप्रोसेस्ड है तो वो डाटा है जब वो प्रोसेस्ड हो गया हमारे पास अच्छी में आ गए दैट इज इन्फॉर्मेशन तो रॉ डाटा है और जब प्रोसेसिंग होगी दैट इज इंफॉर्मेशन सो द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड यहाँ पे अनप्रोसेस्ड पूछा है तो हमारा आंसर होगा डाटा

अब ये थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं देखो अर्लीएस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था क्या अबेकस साथ साथ में लर्न कर लो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था अबेकस नैपर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेटिंग जो ये वाली टेक्नोलॉजी है ये क्या कैलकुलेटिंग के लिए यूज होती है रैपडोलॉजिया uh, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है प्रोनाशिएशन पर मजाना वर्ड्स को कैप्चर करो क्या है नैपर्स टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग रैपडोलॉजिया ठीक है

तो जो डेवलप हुआ first generation of computer में उसे किस, कि, किस तौर पे यूज यूज किया किया जाता जाता था वो जाता था वो काउंटर व्हील्स तो जो एनालिटिकल इंजन है दैट एज काउंटर व्हील्स की तरह यूज करते थे ऐसे लर्न कर लो इंजन को कैसे यूज करते थे काउंटर व्हील्स की तरह जो टैबुलेटिंग मशीन है वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाई जो टैबलेटिंग uh, मशीन है वो किसने डेवलप की है ये भी हरमेन हॉलरिथ ने की है अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पंच कार्ड भी किसने इंट्रोड्यूस किए थे पंचने हॉलरिथ ने और जो टैबलेटिंग मशीन है ये भी किसने इंट्रोड्यूस की है हरमेन हॉलरिथ ने नेक्स्ट है हु हैज डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इससे दो क्वेश्चन देखो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है आइनियक क्या है आइनियक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आइनियक इसको किसने डेवलप किया था पेपर एकट एंड जॉन डब्ल्यू मैकेले ठीक है और मैकेले ने किया था तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज आइनियक एंड इसको डेवलप किसने डिजाइन किसने किया था एक्स एक्र्ट एंड मैकेले अब स्टोरेज के लिए द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज ऐसा कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है तो उसका आंसर है एडसैक इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो सैक होता है इंग्लिश में का मतलब क्या होता है बोरी होता है ना जो स्टोरेज की हेल्प करती है बोरी में हम कुछ भी डाल सकते हैं तो सैक सैक है ना इसमें तो इससे आप लर्न कर सकते हो एड सैक सैक ठीक है में मतलब स्टोरेज तो द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसका आंसर है यूनिवैक यूनिवैक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है नेक्स्ट ये क्वेश्चन ना अगर एग्जाम्स में आ जाए हमें बहुत कंफ्यूज करेगा कि कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा कंप्यूटर था सेकंड में थर्ड में या फोर्थ में तो देखो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेंगी साइज छोटा होगा तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो सबसे बड़ा था ठीक है कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई साइज छोटा होता गया

कंप्यूटर जो फर्स्ट पहले कंप्यूटर्स बनते थे वो किस नेचर के होते थे मैकेनिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर्स बनते थे देवर ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं एस 2012 में पूछा गया था जनरेशन कौन सी लैंग्वेज करते हैं इसमें क्या होता है जब ऑप्शन हो जाता है और हम ये मार्क देते हैं बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज करते थे ठीक है बोथ नहीं करके आना असेंबली और मशीन नहीं करके आना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेजेस स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज इन माइक्रो मतलब अभी तो बहुत ज्यादा और भी कम टाइम लगता है नानो सेकंड से भी कम लगता है नानो मिली तो इसमें हमारा क्या है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज माइक्रो से यूज फ्राम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे सेकंड में ट्रांजिस्टर्स और थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स है वो कौन सी जनरेशन यूज करेगी थर्ड जनरेशन टाइम शेयरिंग पॉसिबल कौन सी जनरेशन में हुआ Yes, में पूछा गया था। टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में और द पीरियड फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज सेकंड जनरेशन में जो पीरियड था वो क्या था टाइम पीरियड कितना था दैट वॉज नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री तो टाइम पीरियड फॉर सेकेंड जनरेशन वॉज 1956 टू 1963 और यहाँ पे पहली बार टाइम शेयरिंग स्टार्ट हुआ अब आप मुझे प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में बता देना अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो हम स्टार्ट कर देंगे आरबी प्रियो तक हमें 20 क्लासेस कंप्लीट करनी है जिसमें हम टॉप 500 हंड्रेड करेंगे और साथ साथ में ही लर्न करते चलेंगे बाय टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब